हाय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। डियर स्टूडेंट, रिसेंटली मैंने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट असिस्टेंट ग्रेड 3 की वीडियो पोस्ट की थी, जो कि कम्प्लीटली सिलेबस के ऊपर थी। और इस वीडियो में स्टूडेंट के बहुत सारे डाउट थे, बेस्ट बुक कौन सी है ये भी डाउट था। इवन मैंने रैंडमली उस वीडियो से कमेंट पिक की है, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपके सभी क्वेश्चन का आंसर दूं। इवन कोई क्वेश्चन अगर रह जाता है तो आप कमेंट पिन कर सकते हो, मैं आपको उसका भी सॉल्यूशन दे दूंगा। सो इस वीडियो में हम सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, पेपर की लैंग्वेज क्या है, टाइपिंग आपको कैसे करनी है और मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी, जो बहुत सारे आपके क्वेश्चन थे। तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन था इसकी बेस्ट बुक को लेके था कि बेस्ट बुक कौन सी है और पेपर की लैंग्वेज क्या रहेगी। देखो गाइस, पेपर की लैंग्वेज यहाँ पे हो सकता है आपकी इंग्लिश एंड हिंदी रहे, लेकिन ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं बता कि पेपर की लैंग्वेज ये दोनों रहेगी। यहाँ पे बस सिलेबस दिया है, इंग्लिश का सिलेबस ये है, कंप्यूटर का सिलेबस ये है। देखो कंप्यूटर का सिलेबस तो ऐसा है मेरे भाई, अगर आप अपने घर में कंप्यूटर चला रहे हो या कहीं बाहर सीखने जा रहे हो तो मोस्टली आप इंग्लिश में ही सीखते हो, हिंदी में तो ऑलमोस्ट बच्चा नहीं सीखता है। होता है कुछ सीखता है, 100 में से 1-2% होगा जो बच्चा हिंदी में कंप्यूटर चलाता है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे इंग्लिश में कंप्यूटर सीख रहे हो तो हिंदी में आपको एग्ज़ाम देना तो बनता नहीं है, क्योंकि आप जो सीख रहे हो अगर आप उसी चीज़ को इंग्लिश में समझोगे तो आपके लिए बेस्ट है। तो मेरा तो सजेशन ये है, लैंग्वेज पे आप मत जाओ, क्योंकि इंग्लिश तो यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ये तो नो डाउट है कि इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। अब बात आती है कंप्यूटर नॉलेज की, कंप्यूटर नॉलेज का ऐसा है भाई, इंग्लिश में पढ़ लो, हिंदी में मत पढ़ो। हो सकता है ये भी ये आपका हिंदी में हो, ठीक है, लेकिन कोई गारंटी नहीं कि हिंदी में होगा, ठीक है। इंग्लिश में तो होगा ही होगा नो डाउट, बट हिंदी की कोई गारंटी नहीं है कि होगा या नहीं होगा। यहाँ पे जो पेपर की लैंग्वेज नोटिफिकेशन में कुछ नहीं दिया, तो यहाँ पे आप थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ कि अगर हम कंप्यूटर इंग्लिश में सीख रहे हैं तो हम इसको हिंदी में क्यों पढ़ें, इसको भी इंग्लिश में पढ़े, हिंदी आए तो आने दो, कोई मतलब नहीं बनता। अब यहाँ पे इंग्लिश के लिए बेस्ट बुक बताऊंगा, कंप्यूटर के लिए बेस्ट बुक बताऊंगा। देखो कंप्यूटर के लिए मेरे पास कुछ नोट्स है, ठीक है, वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, 20-30-40-50 पेज के वो नोट्स हैं, मैं अपडेट कर दूंगा आपको, ठीक है। वहाँ पे लिंक भेज दूंगा, आप लिंक से ओपन करोगे तो 2-3 PDF आपको मिल जाएगी, तो कहीं ना कहीं वो आप पढ़ोगे। तो यहाँ पे आपका मेरे हिसाब से 25 नंबर का ही आना है, तो कहीं ना कहीं 12-13 नंबर का उससे मिल जाएगा, तो पर कोई गारंटी नहीं मिल सकता इतना, मतलब वो स्ट्रॉन्ग थोड़े रहते हैं। 99% मेरा थोड़ा होप है इन नोट्स पे, क्योंकि बनाए हुए हैं तो होप तो रहेगा बंदे का, तो वे आप पढ़ लेना तो आपका हो जाएगा। अब बात आती है इंग्लिश की, देखो मैं जिस बुक का भी नाम बताऊंगा ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, ये नहीं कि मैं बुक का कोई प्रमोशन कर रहा हूँ, कोई पेड प्रमोशन नहीं है बुक का, ये खुद का मेरा एक्सपीरियंस है कि आप ये पढ़ लो। देखो आज तक का अगर कंपटीशन में बात करेगी ये होगा ये होगा, तो नीतू सिंह मैम की एक अच्छी बुक है, इवन वो सीजीएल लेवल की, इवन ग्राउंड लेवल की बुक भी बनाती है। थोड़ा कॉमन पढ़ लो, वोकैबुलरी पढ़ लो, यहाँ पे स्पेलिंग पढ़ लो, मीनिंग पढ़ लो, थोड़ा पढ़ लो तो वो तो चलेगा, क्योंकि आपके पास कोई सोर्स नहीं है ना भाई, कहाँ से क्या देगा तो क्या पता। अब यार स्पेलिंग में किसकी क्या उठा देगा भाई, स्पेलिंग तो नहीं पढ़ सकते ना क्या है, बट फिर भी थोड़ा बहुत इधर उधर का थोड़ा देख लो, थोड़े प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लो यहाँ पे, यानी अगर आपको इस हाई कोर्ट के मिलते हैं तो ठीक है, दूसरे हाई कोर्ट के थोड़ा पेपर देख लो किस बेस पर वो बनाते हैं। यहाँ पे आपका एससी लेटर राइटिंग के बेस पर रहेगा, क्योंकि अगर वो यहाँ पे असिस्टेंट की यहाँ पे वैकेंसीज निकाले तो कहीं ना कहीं असिस्टेंट का क्या काम रहता है, यहाँ पे कंप्लेंट टाइप करना या लेटर लिखना यही काम रहता है, एप्लीकेशन लिखना, फालतू काम तो इधर उधर का नहीं रहता कि आपको परमानेंट ये पूरी जिंदगी यहाँ पे टाइपिंग ही करनी है, बस कुछ भी दे दिया मैटर उठा के, तो ठीक है। इसके लिए आप नीतू सिंह मैम की बुक देख लो आप, ठीक है। ये बताया मैंने, कंप्यूटर के नोट्स थोड़ा पढ़ लोगे तो कहीं ना कहीं से मिल जाएगा, तो वरना लूसेंट की बेस्ट बुक है कंप्यूटर में, पढ़ लो और ये अच्छी है मेरे हिसाब से, जहां तक मैं पढ़ता हूँ और जहां तक मैंने यहाँ पे मतलब इनको पढ़ के जितनी भी वैकेंसीज क्लियर की है तो ये बेस्ट है, नो डाउट ये पढ़ लो, ठीक है। अब यहाँ पे आता है आपका पेपर लैंग्वेज भी क्लियर होगा, बुक का भी आपका क्लियर होगा, मेरिट लिस्ट कैसी बनेगी। देखो आपका यहाँ पे स्टेज फर्स्ट में जो आपका रिटन टेस्ट होगा, ठीक है, ये सिर्फ ओनली मेरिट बेस के लिए है रिटन टेस्ट, बाकी इसका कोई काम नहीं पूरे एग्जाम में। मेरिट बेस कैसे बनेगी देखो,
यानी आपका रिटन टेस्ट थे, जब आप स्किल टेस्ट में जाओगे तो यहाँ पे 1:10 की रेशियो में जाएंगे स्टूडेंट। मेरा कहने का मतलब है जितनी वैकेंसीज है, अगर सपोज करो इसमें 100 वैकेंसीज है, सपोज करने के लिए बोला, अगर 100 वैकेंसीज है तो 10 तो यहाँ पे 1000 बच्चे जो है ये स्किल टेस्ट के लिए जाएंगे, बस इतने जाएंगे, 10 मतलब 10 गुना, वो तो आप समझ गए ठीक है। अब आती है टाइपिंग की, देखो टाइपिंग में आपकी जो टाइपिंग करोगे एरर करोगे, एक पूरे वर्ड से आपका अगर एक भी गलत होगा तो हाफ नंबर कटेगा। बाकी इसमें रिटन टेस्ट में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है ठीक है, रिटन टेस्ट में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब टाइपिंग आपको कैसे करनी है मैं आपको बता रहा हूँ। देखो 50 नंबर की तो हिंदी की है, 50 नंबर की आपकी इंग्लिश की है, और टाइपिंग के बेस पे ही आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, फाइनल सिलेक्शन लिस्ट बनेगी, ये सुन लो आप ठीक है, टाइपिंग के बेस पे बनेगी ठीक है। तो यहाँ पे 20-20 नंबर यानी 100 में से 40 तो लेके आना है, और ऐसा नहीं दोनों में कॉमन नंबर लेके आना है, मतलब यहाँ पे जो है दोनों में कॉमन मिला के 40-30 इंग्लिश में 10 आपके हिंदी में, ऐसा नहीं है। 50 में से 20 नंबर आपको हिंदी में और 50 में से आपको 20 नंबर इंग्लिश में, ये दोनों में अलग अलग लेके आने हैं। उसके बाद एक मेरिट लिस्ट बनेगी, जिसके जितने नंबर होंगे उतना यहाँ पे आपकी मेरिट लिस्ट ड्रॉ हो जाएगी और उसी के बेस पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब ये टाइपिंग को लेके, ये उबंटू लिनक्स लिब्री ऑफिस ये क्या है, यूनिकोड फॉन्ट क्या है, स्टूडेंट का यहाँ पे डाउट था कि फॉन्ट क्या है, फॉन्ट के बारे में बताओ। देखो हिंदी का फॉन्ट है यहाँ पे कुर्तिदेव, हिंदी का फॉन्ट है कुर्तिदेव 010 ठीक है ये है, बाकी देवनागरी भी हो सकता है। देखो यार देखो जब नोटिफिकेशन में कुछ नहीं बताया तो हम क्या श्योरिटी दे सकते हैं, बट हाई कोर्ट के जितने भी एग्जाम हुए हैं जो मैंने फेस किया है और मैंने स्टूडेंट से सुना भी है थोड़ा इधर उधर का और टाइपिंग भी की है ऑलमोस्ट, तो कुर्तिदेव 010 में ही अभी तक हुआ है, बाकी देवनागरी में तो रियर केस है कि ऐसा हुआ हो, तो आप जो प्रैक्टिस करना कुर्तिदेव में करना। अब कुर्तिदेव नॉर्मल एमएस ऑफिस में नहीं करना, आपको उबंटू लिनक्स लिब्री ऑफिस में करना है यूनिकोड फॉन्ट में जाके, तो ये अलग से एक सॉफ्टवेयर है, हालांकि लिनक्स एक विंडो है, विंडो में ही सॉफ्टवेयर डलता है, तो आप इस पे ट्रेनिंग करना। इसमें क्या है ना अलग अलग आप कोड सेट कर सकते हो, तो आपको टाइपिंग के टाइम कोड सेट करने का एक टाइम भी दिया जाएगा जिसमें कि आपके लिए बेस्ट है अगर आप वे कोड सेट करने जान गए, क्योंकि एक कीवर्ड आप दबाओगे, क्योंकि हिंदी अगर आप एमएस ऑफिस की देखो थोड़ी मात्राएं इधर उधर होती है, अगर आप इसकी देखो लिब्री ऑफिस की देखो उबंटू की, वो थोड़ा इधर उधर होती है, तो हो सकता है आपको थोड़ा कंफ्यूज हो, थोड़ी जब आप बटन प्रेस करोगे तो इधर उधर की मात्रा इधर उधर हो शिफ्ट हो जाती है, तो वो अगर आप अभी से इन सब चीज़ों में तैयारी करोगे तो आपके लिए अभी से बेस्ट रहेगा, हो सकता है सिलेक्शन में आपकी हेल्प हो, अगर आप अभी से लापरवाही करोगे तो कहीं ना कहीं आपका ही लॉस होने वाला है। पढ़ने का तो ये है, और ये इसमें से आपका अगर कट ऑफ की भी बात करें तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 30-32 नंबर पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि ये जो सिलेबस है थोड़ा डिफरेंट है ठीक है। बाकी सभी कोर्ट में तो इसमें जीके मैथ भी डाल देते हैं, रीजनिंग भी डाल देते हैं, और इंग्लिश हिंदी भी डाल देते हैं, तो ये थोड़ा इसमें यहाँ पे थोड़ा इंग्लिश को ही कवर किया है, हो सकता है। देखो स्पेलिंग का जो स्पेलिंग एरर रहती है वो कहीं से कुछ भी उठा कर दे सकता है यार, उसकी तो अगर 5 क्वेश्चन भी आए तो 5 की भी कोई गारंटी नहीं कि आप वो सही कर लोगे, तो कहीं ना कहीं रहेगा ना कि 5 क्वेश्चन तो आपके गलत ही है, नहीं हो सकता ना ठीक है, वो आप थोड़ा देख लेना। अगर आपको फिर भी कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट पिन कर सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट।